सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज हम दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर अपने बनाने वाले हैं ड्रिपस्टोन के कुछ फार्म्स। एंड इसके अंदर अपने एक तो लिटरली ड्रिपस्टोन का फार्म होगा, पॉइंटेड ड्रिपस्टोन का, एंड दूसरा जो कि एक अनलिमिटेड फ्यूल फार्म होता है लावा का, एंड वो अपने इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। सो यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। एंड हाँ गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे पहले वाले कुछ फार्म्स के ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड करने के बाद आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, उनको चेकआउट करने के बाद मेरी 200 स्पेशल वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। मैं एक SMP ला रहा हूँ एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल जाएगी। सो यह वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, अपने आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड अभी मैं यहाँ पे जो ड्रिपस्टोन के ब्लॉक होते हैं वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड सिंपली अपने पहले अपना बनाएंगे जो कि अपना ड्रिपस्टोन का फॉर्म होता है, पॉइंटेड ड्रिपस्टोन का, वही बनाएंगे। एंड सिंपली आप मेरे को फॉलो कर लो एंड आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अपने सबसे पहले ये जो ड्रिपस्टोन का जो ब्लॉक होता है ना, ये अपने को यहाँ पे प्लेस करना है। आपको यही ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, कुछ और प्लेस मत कर देना, ठीक है। एंड ये कैसे बनता है, आपको चार ड्रिपस्टोन, पॉइंटेड ड्रिपस्टोन आप मिला के बनाओगे ना तब आपका ये एक ब्लॉक बनेगा, वरना आपको केव में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप जितना चाहो बड़ा बना सकते हो इसको। तो गाइस, मैं तो हाँ इतना सा प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। एंड इसके बाद आपको लगेगा जो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन होता है ना, वो यहाँ पे आपको एक एक प्लेस करना है, ठीक है। एंड हाँ गाइस, आपने मेरे पहले वाले कुछ फार्म्स के ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लेना। एंड हाँ, ये फार्म आपको मतलब हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर कोई दिक्कत वगैरह आती है तो कॉमेंट कर सकते हो यार, लिटरली खुला कॉमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला पड़ा है, तो आप कॉमेंट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ग्लास लेना होगा। मैं तो ग्लास ले रहा हूँ बट आप कोई सा ब्लॉक ले सकते हो। ग्लास इसलिए क्योंकि यार इसके ऊपर मैं डालूंगा पानी, एंड वो ग्लास है ना इधर उधर मतलब ट्रांसपेरेंट हो ना तो दिख सकता है, पानी अपने को बाहर से दिखेगा। तो करके मैं थोड़ा डेकोरेशन के लिए इस यहाँ पे ग्लास लगा रहा हूँ। एंड आप जो चाहे लगा सकते हो, बट हाँ आपको लकड़ी नहीं लगानी है इसके अंदर, तो लकड़ी लगा सकते हो बट जो दूसरा फार्म होगा उसके अंदर लकड़ी नहीं लगानी है, वरना आपका फार्म जल सकता है, ठीक है। एंड इसके अंदर तो आप जो मर्जी लगा दो, यहाँ पे ब्लॉक चल जाएगा। एंड मैं तो यहाँ पे ग्लास ही लगाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो अपना लगभग फार्म बन के रेडी हो चुका है, बस हाँ इतना ही था ये तो। एंड अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर एक ब्लॉक पे एक एक वाटर बकेट प्लेस करना है। तो गाइस, अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन चुका है यहाँ पे, एंड सभी ब्लॉक के ऊपर पानी है, ठीक है। एंड अब भी आप देखो यहाँ पे ना मतलब कि ये बूंदें ज़्यादा टपकने लग गई हैं पानी की, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एंड फिर देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप देख सकते हो अपना जो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन फार्म है वो वर्क कर रहा है, एंड काफ़ी इजी है यार ये बनाना तो। एंड इससे ना अपने मतलब कि अनलिमिटेड और भी कई फार्म बना सकते हैं, कुछ ट्रैप भी बना सकते हैं, एंड इन फ्यूचर अपने ट्रैप भी, एक अच्छा सा ट्रैप भी बनाएंगे इससे। एंड हाँ, SMP के अंदर भाई ट्रैप तो बहुत यूज़फुल रहता है, एंड इससे भाई काफ़ी भयानक सा ट्रैप बनता है, तो अपने वो भी बनाएंगे आगे चल के। एंड अब अपने बनाते हैं एक फ्यूल फार्म, ठीक है। तो फ्यूल फार्म बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये जो स्टोन ब्रिक्स होती हैं, ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड अपने को उसकी हाइट ये कि 2 से 3 ब्लॉक रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लॉक आएगा, यहाँ पे अपना, एक सेकंड, यहाँ पे अपना वो ब्लॉक आएगा यहाँ पे, ठीक है, इतना ठीक है। हाँ तो गैस इतना ही होगा ये। हाँ जी, इसकी 3 ब्लॉक हाइट रखनी है। तीसरे ब्लॉक पर आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना है, ठीक है। तो मैं प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं कुछ अलग सा करूँगा बीच में ना, मतलब कि गली सी छोड़ूंगा जिससे ना अपना आना जाना लगा रहे यहाँ पे। ऑल राइट, तो ये अपना प्लेटफॉर्म बन चुका है। एंड यहाँ पे ना मैं एक एक ब्लॉक मतलब दो दो ब्लॉक छोड़ के ना एक एक ब्लॉक की यहाँ पे गैप दूंगा, ताकि यहाँ पे ना अपने फ्यूल का कुछ नहीं सिस्टम करेंगे। एंड यहाँ पे आ गया ना एक, तो इसको भी हटा देते हैं, एंड इस साइड को अपने एक ब्लॉक और प्लेस कर देंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे अपने एक एक ब्लॉक और प्लेस कर देते हैं, एंड फिर अपना ये बन के रेडी हो चुका है। ऑल राइट गाइस, तो अभी अपने को यहाँ पे ना जो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन है वही लगाने पड़ेंगे दोबारा से। एंड इसमें आप यार कोई सा ब्लॉक लगा सकते हो नीचे की साइड, मतलब पॉइंटेड ड्रिपस्टोन के ऊपर आप कोई सा ब्लॉक प्लेस कर सकते हो, बट लकड़ी यूज़ नहीं करनी इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, लकड़ी यूज़ करेगा तो आपका फॉर्म जल जाएगा। ऑलराइट गाइस, अपने नीचे का काम सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी यहाँ पे अपने क्या काम करते हैं, यहाँ पे ना अपने ग्लास लगाते हैं। एंड सिंपली जैसे वहाँ पर अपने चारों साइड ग्लास लगाया था ना, वैसे यहाँ पर भी ग्लास लगेगा। ऑलराइट, तो बारिश भी बंद हो चुकी है। ऑलराइट गाइस, तो अपना ये भी काम पूरा का पूरा हो चुका है। एंड अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो अपनों ने ये जो रास्ता छोड़ा था ना, यहाँ पे भी आपको एक एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अपना लावा यहाँ से सीधा नीचे ना जाए, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है।
जैसे ये होता है अपने को यहाँ पे लावा डालना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, अभी अपने पास लावा आ चुका है एंड यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक एक ब्लॉक पे ना आपको सिंपली जैसे पानी डाला था ना वैसे यहाँ पे भी आपको लावा डालना है, ठीक है। ऑल राइट गाइस, तो अपनों ने लावा का लावा सारा के सारा मतलब लावा डाल दिया है और अभी यहाँ पे देखो यार ये पॉइंटेड ड्रिपस्टोन के ऊपर यार लावा टपक रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये कॉल्ड्रॉन लेना है जो कि मतलब कि यार इसके अंदर वाटर एंड लावा इकट्ठा होता है, तो आपको यही लगेगा यहाँ पे। एंड जो ये पॉइंटेड ड्रिपस्टोन अपने लगाया ना जस्ट इसके नीचे आपको यहाँ पे एक एक कॉल्ड्रॉन लगाना है, ठीक है। एंड जल्दी से अपने इसको भी लगाते हैं एंड देख सकते हो यहाँ पे ये भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे देख सकते हो यार काफ़ी सारा लावा भी आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अपने दो दो लगा देते हैं एंड यहाँ पे भी दो दो आएंगे, ठीक है। तो यार जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अपना ये बन के रेडी हो चुका है एंड देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारा लावा भी इकट्ठा होने लगा है। एंड भाई ये काफ़ी यार हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। एंड जो ड्रिपस्टोन का फार्म है वो भी मैंने बनाया था अपने ब्लैक किंगडम में, एंड ये अपना लावा फार्म ये भी अपने ने ब्लैक किंगडम में बनाया था। तो यार अपना ये भी फार्म देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा हो चुका है, काफ़ी यार इसके अंदर ड्रिप पॉइंटेड ड्रिपस्टोन काफ़ी सारे बड़े हो रखे हैं। एंड सो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर करना ताकि वो भी अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर ऐसे बेस्ट बेस्ट बिल्ड बना पाए। हाँ, मेरे चैनल पे एक 200 स्पेशल वीडियो आई है, तो आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो।